गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एनकोडर, जिसमें हम करेंगे 2x4 एनकोडर एंड 3x8 एनकोडर विद ब्लॉक डायग्राम, ट्रुथ टेबल एंड लॉजिक सर्किट। ये टॉपिक हम करेंगे और स्टूडेंट्स टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज बहुत ही इजी मैनर में इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर लें, क्योंकि हर टॉपिक बहुत ईजी करके आपके लिए लाया जा रहा है। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। तो देखते हैं एनकोडर। एनकोडर इज कॉम्बिनेशनल सर्किट। एनकोडर कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, और कॉम्बिनेशनल सर्किट वो होता है जिसके अंदर आउटपुट डिपेंड करती है टोटली ऑन इनपुट। अब लॉजिक गेट से बने हुए सर्किट्स होते हैं ये, और ये सर्किट कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए हम इन्हें बनाते हैं। इट इज मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट डिवाइस। तो एनकोडर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट डिवाइस होता है। इसके अंदर मल्टीपल इनपुट्स रहते हैं और मल्टीपल आउटपुट्स रहते हैं। इट कन्वर्ट्स मैक्सिमम ऑफ 2 की पावर एन लाइन्स ऑफ इनपुट इंटू एन लाइन्स ऑफ आउटपुट। तो ये जो इनपुट लेता है 2 की पावर n, मैक्सिमम जो 2 की पावर n इनपुट्स रहते हैं, इनको ये कन्वर्ट करता है n आउटपुट्स के अंदर। तो ये मैक्सिमम होते हैं, इससे कम भी इनपुट्स हो सकते हैं, पर मैक्सिमम इनपुट इसमें 2 की पावर n रहते हैं। ये डिकोडर के बिल्कुल अपोजिट होता है, जिसके अंदर n इनपुट्स होते हैं और 2 की पावर n आउटपुट्स रहते हैं। डिकोडर, इससे पहले का लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और रिकमेंडेड है आप इससे पहले वो लेक्चर जरूर से देख लें, क्योंकि एनकोडर डिकोडर के कम्प्लीटली रिवर्स होता है। एट ए पर्टिकुलर टाइम वन इनपुट लाइन इज एक्टिव। तो इनमें से ये जो इनपुट लाइन है, इनमें से एट ए टाइम पर एक ही लाइन एक्टिव रहती है, बाकी सारी डिसेबल हो जाती हैं। एप्लीकेशन ऑफ एनकोडर्स, अगर हम एनकोडर की एप्लीकेशन की बात करें तो ये अदर कोड को कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड्स में। इट मींस ये जो हमारा डेटा होता है उसको बाइनरी फॉर्मेट में, कोडेड फॉर्मेट में ये चेंज करता है। तो इसमें हम नंबर ऑफ इनपुट लाइंस देंगे, नंबर ऑफ इनपुट लाइंस, और ये आउटपुट में उसको कोडेड फॉर्मेट में चेंज करता है। ये जो हमें आउटपुट देगा वो उसको कोडेड फॉर्मेट में चेंज करता है, मतलब इनपुट लाइंस को, नंबर ऑफ इनपुट लाइंस को लेस नंबर ऑफ आउटपुट्स में ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर हम इसमें 8 इनपुट्स दे रहे हैं तो ये उसको 3 आउटपुट्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो इनपुट्स हैं ये कम भी हो सकते हैं, बट जनरली ये होता है कि ये 2 की पावर n में होते हैं और ये n होता है। एनकोडर की एप्लीकेशंस होती हैं कि ये दूसरे कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, हमारे डेटा को कोडेड फॉर्मेट में चेंज करता है। और देखें एप्लीकेशंस, अगर ऑक्टल टू बाइनरी, दिस वन इज ऑक्टल टू बाइनरी, तो ऑक्टल जिसका बेस होता है 8, और 8 जो कि होता है 2 की पावर 3, यानी 3 बिट्स को ये कन्वर्ट करता है 8 में। तो अभी हम कोडेड फॉर्मेट में आ रहे हैं, तो 8 × 3 यानी 3 बिट्स लेते, 3 बिट्स एज ए आउटपुट ले देते हुए ये जो है इनपुट लेता है मैक्सिमम 8। हेक्साडेसिमल, जिसमें होते हैं 16, जो कि होती है 16 होता है 2 की पावर 4, यानी n रहेगा हमारा 4। डेसिमल टू बाइनरी, जिसके अंदर जिसका बेस होता है 10, और जो कि बेस 10 टू की पावर 4 लेगा, और 2 की पावर 3 अगर हम लें तो ये 8 होंगी, जो कि ये नहीं ले सकता। अब ये लेता है 2 की पावर 4, और 4 जो है ये लेता है, लेकिन 2 की पावर 4 जो कि 16 को के कॉरस्पॉन्डिंग होती हैं, पर यहाँ पर ये जो इनपुट्स हैं ये कम भी हो सकती हैं, मैक्सिमम 16 इनपुट्स ले हो सकती हैं, बट ये डेसिमल है तो इसमें 10 इनपुट्स ही रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी सी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनकोडर। तो एनकोडर, n इंटू m एनकोडर, इसके अंदर क्या होता है, ये मल्टीपल इनपुट्स होता है, मल्टीपल आउटपुट होता है। इसमें n इनपुट्स होते हैं और m आउटपुट्स रहती हैं। अब ये जो m आउटपुट्स रहती हैं, ये m आउटपुट हमेशा लेस देन n होती हैं। ये इसकी कंडीशन रहती है कि जो इसके अंदर आउटपुट्स होती हैं वो इनपुट से हमेशा कम होती हैं, क्योंकि ये इनपुट लाइंस को कम कर देता है एज ए आउटपुट में। अगर इसमें आउटपुट n है तो जो है यहाँ पर इनपुट हमारी 2 की पावर n रहती हैं, जनरली कम भी हो सकती हैं ये इनपुट्स, बट जनरली 2 की पावर n रहती हैं। जैसे अगर 2 आउटपुट्स हैं तो यहाँ पे 2 की पावर 2 यानी 4 जो है हमारी इनपुट्स रहेंगी। अगर हमारी आउटपुट 3 हैं तो इसमें 8 हमारी इनपुट्स रहेंगी। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ द केसेज में यही रहता है। 4 × 2
एनकोडर को अब हम देख लेते हैं, 4 × 2 एनकोडर एंड 8 × 3 एनकोडर। 4 × 2 एनकोडर क्या कहता है कि इसमें 4 इनपुट्स रहेंगी और ये इनपुट्स D0, D1, D2, D3 हमने ले दिए हैं, कुछ भी नेम ले सकते हैं आप। और 2 आउटपुट्स, दिस इज 2 आउटपुट्स, ये हैं इनपुट्स। तो ये होता है 4 × 2 एनकोडर के अंदर 4 इनपुट्स हैं यहाँ और 2 आउटपुट्स जो है एज ए आउटपुट जाएंगी, ठीक है। अब 8 × 3 एनकोडर में 8 इनपुट्स 3 आउटपुट्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है। ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम। अभी हम देख लेते हैं इनकी ट्रुथ टेबल। अगर 2 × 4 एनकोडर है तो इसके अंदर, सॉरी, ये 4 × 2 एनकोडर है और ये 8 × 3, दिस इज 4 × 2 एनकोडर, ठीक है। और दिस इज 8 × 3 एनकोडर। अब 4 × 2 एनकोडर के अंदर 4 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट्स हैं, तो एट ए टाइम पे ओनली 1 इनपुट ही एक्टिव होती है। तो कोई भी एक इनपुट एक्टिव हम कर सकते हैं, ये D3 इनपुट एक्टिव भी हम कर सकते हैं और यहाँ पे हमने कर दी है D0 को एक्टिव। तो D0 को एक्टिव है पहली बार, दूसरी बार D1, फिर D2, फिर D3। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे 2 बिट्स के होते हैं, 2 की पावर 2, डेट इज 4, और 4 कॉम्बिनेशंस 00, 01, 10 एंड 11। तो इस केस में हमारा D0 एक्टिव है, D1 एक्टिव है तो हमारा ए और बी के अंदर बिट्स रहेंगे 01, D2 अगर एक्टिव है तो ए बी के अंदर बिट्स जाएंगे 10, और D3 के अंदर जो D3 अगर एक्टिव है तो ए बी के बिट्स होंगे 11। इसी तरीके से 8 × 3 एनकोडर भी देख लेते हैं। तो 8 × 3 एनकोडर में भी क्या होगा, एक टाइम पे एक इनपुट ही जो है एक्टिव रहेगी। तो ये D0 जब एक्टिव है तो बाकी सारे डिजेबल हो जाएंगे और हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे 3 बिट्स के होते हैं, डेट इज 4 0 4 1। ये कॉम्बिनेशंस लिख लेते हैं पहले, और ये हमारे आउटपुट्स आएंगे कब, ये बिट्स आएंगी कब, जब हमारा D0 एक्टिव है तो ए बी सी में 0 0 0 बिट्स आएंगी, जब D1 एक्टिव है बाकी सारे डिजेबल हैं तो ए बी सी में 0 0 1 बिट्स होंगी। D2 अगर एक्टिव है, एट ए टाइम पे हमारे कोई भी एक इनपुट एक्टिव रहती है, और D3 एक्टिव है तो बिट्स रहेंगे ए बी सी के अंदर 0 1 1। उसके बाद D4 एक्टिव है, D4 तो हमारी 100 की जो है आउटपुट बिट्स रहेंगी। देन ये एक्टिव है D5, तो 101 का जो है बिट्स रहेंगे हमारी आउटपुट बिट्स। और अगर D6 एक्टिव है, इधर D6 एक्टिव कर देते हैं तो 110 हमारा कॉम्बिनेशन रहेंगी आउटपुट्स की। और अगर D7 एक्टिव है तो हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन ए बी सी का जो आउटपुट बिट्स रहेंगे, दैट इज 111। तो ये हमारी बन गई ट्रुथ टेबल। तो ये हमने ट्रुथ टेबल बना दी है और हमने वो भी देख लिया इससे पहले, ब्लॉक डायग्राम भी, ट्रुथ टेबल भी, एंड नाउ वी सी लॉजिक डायग्राम। अब लॉजिक डायग्राम हम बनाएंगे इन ट्रुथ टेबल की हेल्प से ही। ए ए के अंदर 1 कब आएगा, जब देखेंगे हम, जब हमारा D2 एक्टिव है, जब हमारा D2 एक्टिव है तो A के अंदर 1 आएगा, ठीक है। A आउटपुट आएगी, यानी A में 1 कब होगा, जब D2 एक्टिव होगा, और उसके अलावा D3 एक्टिव होगा। यहाँ पे 1 D3 एक्टिव है तो हमारा A एक्टिव है, ठीक है। इसी तरीके से B को भी निकाल लेंगे, जहाँ जहाँ 1 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे B में 1 कब आया है, जब D1 एक्टिव है। इसी तरीके से बी में यहाँ 1 कब आया है, जब D3 एक्टिव है। तो ये हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, यानी बुलियन एक्सप्रेशन बन गया, लॉजिकल एक्सप्रेशन हमारा आ गया, और इसी के बेस पे हम बनाएंगे लॉजिक डायग्राम। ए इक्वल टू D2 + D3 और बी इक्वल टू D2 + D3 एंड बी इक्वल टू D1 + D3, ठीक है। ये था हमारा इसमें। अब हम जो है इनपुट्स लेंगे D1, D2, जल्दी से हम लॉजिक डायग्राम बना देते हैं, एंड D3। तो D2 + D3, दिस इज D2 एंड D3, इसका हुआ प्लस मीन्स ओवर ऑपरेटर।
तो ये आ गया हमारा ए, डेट इज डी टू प्लस डी थ्री. अब डी वन प्लस डी थ्री, डी वन एंड दिस इज डी थ्री, और इन दोनों का भी कर दिया हमने अगर और, तो ये हमारा आ गया बी, डेट इज डी वन प्लस डी थ्री. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा बन गया लॉजिक डायग्राम टू इंटू फोर एनकोडर का. फोर इंटू टू एनकोडर है यहाँ पर, दिस इज फोर इंटू टू एनकोडर. ठीक है, अब देख लेते हैं लॉजिक डायग्राम फॉर एट इंटू थ्री एनकोडर. एट इंटू थ्री एनकोडर के लिए वाइस की ट्रुथ टेबल देख लेते हैं. तो ए, ए के अंदर जो है डी जीरो जब एक्टिव है ए बी सी, अब यहाँ पे हमारा ए ए जो है इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, कहाँ कहाँ वन है, यहाँ वन है, तो यहाँ वन के लिए ये, फिर यहाँ वन ये, यहाँ वन ये, और यहाँ वन ये. तो ए के अंदर वन तब आएगा जब डी फोर एक्टिव होगा, डी फोर एंड डी फाइव, डी फाइव भी एक्टिव होगा जब, डी सिक्स और डी सेवन. ये आ गया हमारा ए के लिए. और अब देख लेते हैं बी के लिए. बी के अंदर वन कब आ रहा है, बी के अंदर वन है यहाँ पे, और इसके लिए बी ये डी टू, और ये यहाँ पे है तो इसके लिए ये वाला एक्टिव, यहाँ के लिए ये वाला एक्टिव, और यहाँ के लिए ये वाला एक्टिव. तो अगर ये वाले एक्टिव होंगे तो हमारा बी एक्टिव होगा. तो अगर बी में मतलब डी टू एक्टिव होता है, या फिर डी थ्री, या फिर डी सिक्स, और या फिर डी सेवन, अगर ये एक्टिव होते हैं तो बी एक्टिव हो जाएगा. सी, सी के अंदर वन कब आ रहा है, सी के अंदर वन देख लेते हैं अब. सी के अंदर है वन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे. तो इसके भी कॉम्बिनेशन देख लेते हैं हम सी के. तो इसके लिए ये, इस वन के लिए ये वाला, इस वन के लिए ये वाला, एंड इस वन के लिए ये वाला. ठीक है, अब बिलो मार्क वाले देख लेते हैं. तो सी एक्टिव होगा जब डी वन के अंदर वन होगा, यानी जब डी वन इनेबल है तो सी में वन रहेगा. उसके अलावा डी वन प्लस दिस वन इज डी थ्री, दिस वन इज डी फाइव, एंड दिस वन इज डी सेवन. ये हमारे लॉजिक एक्सप्रेशन आ गए हैं ए बी सी के. और अब हम इन्हीं एक्सप्रेशन की हेल्प से बनाएंगे हमारा एट इंटू थ्री एनकोडर का लॉजिक डायग्राम. तो इसके लिए देख लेते हैं ए में डी फोर फाइव सिक्स सेवन, ए में डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी सेवन, और बी में लॉजिक एक्सप्रेशन हमारा कैसे जाएगा, टू थ्री सिक्स सेवन, थ्री सिक्स सेवन. और सी के अंदर, सी के अंदर हमारा एक्सप्रेशन वन थ्री फाइव सेवन. तो ये हम नोट कर लेते हैं जल्दी, वन थ्री फाइव और सेवन. अब हम इसका जल्दी से बना देते हैं लॉजिक डायग्राम. डी वन, डी टू, डी थ्री, डी फोर, डी फाइव, डी सिक्स एंड डी सेवन. अब हम ए का बनाते हैं फोर फाइव सिक्स सेवन पर. इनको हम कर देते हैं फोर फाइव सिक्स एंड सेवन को कर देते हैं और, और ये जब हमने और किया तो हमारा निकल आएगा ए. फिर बी के लिए टू थ्री सिक्स सेवन, टू थ्री एंड दिस इज सिक्स, ये सिक्स हो गया, और सेवन, ये सेवन, ये आ गया टू थ्री सिक्स सेवन. तो ये आ गया बी. और सी के लिए वन थ्री फाइव सेवन, वन थ्री फाइव
आप इसको ध्यान से बना लेंगे। एंड सेवन, ठीक है, 3 1 3 5 7 निकल आया है हमारा, और इसका बना देंगे हम और गेट। ये हो गया हमारा सी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट एनकोडर। तो ये हमने बहुत इजी मैनर में ये सारा टॉपिक देखा। तो स्टूडेंट, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, इजी लगा हो, तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ आप जरूर से जुड़ जाएं। लाइक शेयर भी इसे जरूर कर दें। कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर से पूछ लें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।